फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। तो प्लीज अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा। चलिए देख लेते हैं आज की हमारी वीडियो। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा की रसोई में। देखिएगा आज हम बनाने जा रहे हैं पंचमेल दाल, या फिर आप इसे राजस्थानी दाल भी कह सकते हैं। तो ये ले लिया एक कप चने की दाल। देखिए मेजरमेंट एक किसी बाउल से या ग्लास से, जिससे भी आप करना चाहें उसे कर सकती हैं। तो हमने चने की दाल ले ली है एक कप, ये देख सकती हैं आप। एक कप ले लिया है उड़द की दाल, ये काले उड़द की दाल है। आप छिलके वाली भी ले सकती हैं, आप बिना छिलके वाली भी ले सकते हैं। तो हमने बिना छिलके वाली ली है, सॉरी छिलके वाली ली है। और आप ले लेंगे मसूर दाल, ये देख सकते हैं। तो मसूर दाल भी ले ली है, ये बिना छिलके वाली है मसूर दाल, ये देख सकती हैं। और ये ले लिया है उड़द दाल, तो ये भी छिलके वाली दाल है, ये देख सकते हैं। तो ये जितनी भी दालें हैं ये ले लिया हमने। तूर दाल या फिर अरहर की दाल, ये भी बिना छिलके की है। तो देखिए आप अपने हिसाब से कर सकती हैं, छिलका बिना छिलका आप पर डिपेंड करता है जो आपके यहाँ दाल हो। मगर जिस तरह से हम बनाना बताएंगे उस तरह से बहुत अमेजिंग सी ट्रिक है और बहुत अच्छी लगेगी, बहुत टेस्टी लगेगी। और एक बार बना कर रख लेंगे ना तो आपको रोज रोज बनाने का झंझट खत्म हो जाएगा इस दाल को। तो चलिए पहले तो हम इतनी दाल को बनने के लिए रख देते हैं, धुल देते हैं अच्छे से। ये देखिए, क्योंकि इसके अंदर जो गंदगी पड़ी होती है, जो केमिकल्स दाल वगैरह में, दाल वगैरह को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं, डाले जाते हैं केमिकल्स, वो सारे निकल जाएं। ये देखिए कितना गंदा पानी दिख रहा होगा आपको, देखिए। तो इतना दाल धुलनी है हमको कि ये ट्रांसपेरेंट दाल हो जाए धुलते धुलते। तो ये देखिए पहला पानी हमें निकाल कर इसे फेंक देना है, क्योंकि दाल को सुरक्षित रखने के लिए जो केमिकल लगाए जाते हैं वो धुल जाए। तो देखिए अच्छे से धुल लिया है इसको, हम कई बार कम से कम 3 से 4 वॉशेस धुलेंगे। तो देखिए धुल गया है एकदम से अच्छी, एकदम ट्रांसपेरेंट दाल दिख रही है, देख सकते हैं पानी ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। तो ये दाल धुल कर तैयार हो गई है। तो चलिए इसे सोक करने के लिए रख देते हैं लगभग आधा घंटा के लिए इस तरह से। तो सोक करके रख देंगे, देखिए आधा घंटा हो चुका था, पानी निकाल दिया है जो इसमें सोक किया था। अब हम दाल अपनी ऐड करेंगे कुकर में, यानी प्रेशर कुकर में इस तरह से। देखिए ये देखिए आप इसमें देखिए एक लगभग एक बाउल हो गई थी दाल हमारी, तो हम 2 बाउल पानी डाल देंगे। ध्यान रखिएगा आप क्वांटिटी अपने हिसाब से करिएगा। और नमक डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे। देखिए एक बात और, जो दाल आपको ज्यादा पसंद हो आप वो दाल अधिक कर सकती हैं, और जो दाल कम पसंद है उसे कम भी कर सकती हैं। तो देखिए इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। देखिए ऑयल डालने का रीजन ये है कि इससे दाल उफन कर ऊपर नहीं आएगी, जो कुकर की लिड वगैरह गंदी हो जाती है, येलो येलो सी हो जाती है, तो वो कुछ नहीं होगा। तो ये देख सकते हैं अब हम गैस पर चढ़ा देंगे। तो तेज एक विसल है, यानी एक सीटी है, उसको हम तेज आंच पर ले लेंगे। ये देखिए तेज आंच पर एक विसल ले ली है आप, हम इसमें 3 सीटियां और लेंगे जो कि धीमी आंच पर लेंगे। तो ये देख सकते हैं सीटी आ चुकी है हमारी अच्छे से। अब क्या है, जब ये हमारी सीटी प्रेशर जो है अपने आप निकल जाएगा उसके बाद हम ओपन करेंगे। तो देखिए प्रेशर निकल चुका था, ये देखिए दाल हमारी बनकर तैयार है। ये देखिए अभी आपको कैसी लग रही दाल देखने में। तो देखिए 4 सीटी में दाल हमारी बनकर के बढ़िया तैयार हो गई है। इस तरह से हल्का सा चिमचा लगा देंगे अपने दाल में। तो चलिए छौंक बनाते हैं। देखिए छौंक सभी अपना अपना लगाते हैं तड़का, यानी अपने अपने तरीके से लगाते हैं। तो हम अपने तरीके से तड़का लगा रहे हैं, ये देख सकते हैं। इसमें डाल दिया 2 से 3 स्पून मस्टर्ड ऑयल, उसमें डाल देंगे 1 स्पून जीरा, ये देख सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे, देखिए क्या क्या ऐड करते हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं। और इसको भून जाने देते हैं अच्छे से, ये देख सकते हैं इस तरह से हिला देंगे। और अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं करी पत्ता, हमारे पास रखा था क्योंकि इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। लाल मिर्ची डाल दी है 2, और हींग डाल दी है, और ये अब डाल देंगे काली मिर्च पाउडर। और अब इसे हम छौंक लगा देंगे, ये देखिए इस तरह से हिलाते हुए अच्छे से पका लेंगे और छौंक लगा देंगे। एक बात और, इसमें हमने रंग देने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके दाल में रेड रेड बढ़िया सा रंग हो जाए, तो उसमें आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकती हैं, हमने नहीं ऐड किया है। और आप देखिए इसमें डालकर एकदम से ढक कर रख देंगे। देखिए अब एकदम ढक कर रखना है जिससे इसकी भाप जो है वो बाहर ना निकले, छौंक बाहर ना निकले। इससे क्या होगा ना, आपकी दाल में हींग वगैरह का फ्लेवर जितना है अच्छे से चला जाएगा। तो इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही। और देखिए 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी और कितनी अमेजिंग हमारी दाल बन करके तैयार हुई है। ये देखिए पास से ही दिखा रहे हैं आपको इसीलिए। तो देखिए अब हम अपनी दाल सर्व कर रहे हैं। ये दाल थोड़ी सी गाढ़ी खाई जाती है, बहुत ज्यादा पतली नहीं खाई जाती है। तो आई होप आपको ये रेसिपी हमारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट जरूर करा करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे से रेसिपी लेकर के आती है। तो चलिए
अब ये दाल बनाना शुरू करते हैं, जो कि आपको हमने बताया था कि एक बार बनाकर रख लेंगे दाल तो आपको महीनों बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, एक हम कप सेट कर लेते हैं, या आप वजन से सेट कर लें, तो ये हमने एक कप ले लिया है। उसी कप से हम सारी, यानी पांच दालें हैं हमारे पास, पांचों दालों को हम एक ही कप के माप से ऐड करेंगे। ये देख सकती है इस तरह से रेशियो सबका एक ही रहेगा। ये देखिए, पूरा दाल डाल दी है, चने की दाल डाल दी है, और ये डाल दिया है मसूर दाल एक कप। ये देखिए, तो ये साइज में बड़ा कप है थोड़ा सा। ये देखिए, अब इसमें हम डाल देंगे क्या, मूंग दाल हरी वाली, छिलके वाली, और अब भी डालेंगे इसमें अरहर की दाल। मतलब जो दालें आपको पांच लेनी है वो सारी एक अंदाज से आप डाल देंगे। अगर आपके पास कप नहीं है, मेजरिंग कप नहीं है, तो आप एक बाउल सेट कर सकते हैं जिससे मेजर कर सकते हैं, या बाउल से भी नहीं करना चाहते तो आप सिंपल सा वजन से ले लीजिए, आधा किलो के हिसाब से, आधा केजी के हिसाब से, या एक पाव के हिसाब से। तो देखिए, इसको हमने मिक्स कर दिया अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, इसको एक एयर टाइट डिब्बे में भर के रख लेंगे, और जब भी जरूरत होगा, बस उतनी जितनी क्वांटिटी में हमें जरूरत है दाल, उतनी क्वांटिटी में निकालेंगे और बना लेंगे। इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग लगता है, बहुत 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 अमेजिंग लगता है। तो अगर आपकी ये रेसिपी, हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा। ये देखिए, इसी में ये हम रख देंगे स्पून, जिससे कि हम माप कर बनाएंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय।